अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, बहन जी ने आपको दिल्ली की जिम्मेवारी दी है, तो दिल्ली की जिम्मेवारी जब बताया जा रहा था कि दिल्ली की 700 सीटों पर लोकसभा कैंडिडेट जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से मजबूती से आ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक जहाँ पे देखा गया तो वो काफ़ी कम आया है, तो इसके पीछे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक पिछले पार्लियामेंट के रिजल्ट की बात है जी, तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार चार बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आदरणीय बहन जी ने चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद कहा भी था कि इन लोगों ने परपजली तरीके से जो उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें जीती भी हैं जी, वो भी इन्होंने परपजली, चूँकि जहाँ ये लोग नहीं कर सकते थे, जहाँ हमारा वोट गठबंधन का वोट 60% से ऊपर हो रहा था, अगर वहाँ करते तो गड़बड़, तो पूरे देश में इस तरह से इन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी करके जिस तरह से टेम्परिंग करके किया है उसी तरीके से दिल्ली में भी किया है, तो वो रिजल्ट जो बाकी के प्रदेशों में आया उसी परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट यहाँ पर भी आया है जी। जो दिल्ली का समीकरण है वो अब वोट बैंक काफ़ी गिरता चला जा रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर बहुजन समाज का जिसे 85% बोला जाता है वो डाइवर्ट हो गया है, तो इस जो डाइवर्ट हो गए हैं उनको आप वापस लाने के लिए क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी वो बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पूर्व के प्रभारियों ने काम किया कि नहीं किया, कैसे किया, हो सकता है उनकी अप्रोच प्रॉपर ना रही हो सकता है वर्कर्स की अप्रोच प्रॉपर ना रही हो, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने हमको जो दिल्ली के प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, हमारा प्रयास होगा कि हम कमेटी को अपने बूथ स्तर तक कमेटी को तैयार करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर हमारा बूथ लेवल की कमेटी तैयार होगी तो हम समझते हैं कि कोई ताकत नहीं रोक सकती कि हमारे हर बूथ पे वोट ना निकलें। बहुजन समाज के लोगों तक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो चार चार बार सरकार बनाई, उन सरकार में जो नीतियाँ बनाने का काम किया, उन सरकार में जो योजनाएं बनाने का काम किया, बहन जी ने जो जनहित की योजनाएं बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में जो लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया, वहाँ पर अपराध मुक्त किया, भयमुक्त प्रदेश बनाने का काम किया और विकास युक्त प्रदेश बनाया, वो योजनाएं, वो नीतियां जब हम जन जन तक नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे, बूथ कमेटी तैयार करेंगे, तो हम समझते हैं कि जो हमारा वोट परसेंटेज घटा है वो पूरी तेज़ी के साथ बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम बैलेंस ऑफ पावर होंगे जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।